everyone. How are you all? So after so many days, we are back with one more painting challenge. Yes, and आज हम करने वाले हैं 5 minutes painting challenge. जिसके लिए we are going to use these all colors. Water colors, gouache colors, Posca markers, poster colors and acrylic colors. So starting with water colors. सबसे पहले हमारे पास है ये वाला image और इसे हमें complete करना है 5 minutes में. So let's start. Yes. 1, 2, 3 and let's start. तो सिर्फ 5 मिनट्स में सब कुछ कंप्लीट करना है ना, इसीलिए रफ स्केच तो हमने इतना रफली किया, फिर फटाफट से पेंटिंग स्टार्ट कर दिया. एंड वाटर कलर्स ना मम्मा के फेवरेट है, इसीलिए पेंटिंग की शुरुआत की वाटर कलर से. वैसे मम्मा ना ड्राइंग या पेंटिंग वगैरह काफी टाइम से करते तो नहीं है, बट शी हैज अ गुड हैंड फॉर दिस. एंड वाटर कलर्स में हो भी सकता है कि वो विन हो जाए. बाय द वे, फर्स्ट राउंड इज ऑलमोस्ट ओवर. आपको ऑनगोइंग प्रोसेस देख के क्या लग रहा है? आई थिंक वी बोथ हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट सेम. अभी तो सिर्फ 5 सेकंड्स ही बाकी है, तो फटाफट से कंप्लीट करते करते इट्स ओवर. मम्मा टाइम इज ओवर. ओके, ये कुछ इस तरह का लग रहा है. मेरा भी हो तो गया है, बट कुछ इस तरह का हुआ है. और हर एक राउंड में कौन विनर होता है वो आपको बताना है. यस. सो नेक्स्ट हमारे पास है ये इमेज. इसमें एक हाउस है एंड साथ में ट्री भी है, और ये पूरा हमें करना है गुआश कलर से. सो आर यू रेडी मम्मा? यस. सो 1, 2, 3 एंड लेट्स स्टार्ट. ये ड्राइंग देख के तो लग रहा है 5 मिनट्स में श्योरली हो ही जाएगा, बट देखते हैं रियली होता है कि नहीं. एंड मम्मा का रफ स्केच मेरे बाद फिनिश हुआ था, लेकिन ये देखिए मम्मा जो मेट्रो स्पीड से पेंट कर रहे हैं. बाय द वे, आप क्या ऐसे कोई कॉम्पिटिशन या फिर पेंटिंग चैलेंजेस करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ? इट्स रियली फन टू डू दिस. अगर आपने कभी ऐसी चैलेंज की है तो कमेंट्स में बताना कि कौन सी चैलेंज की है. और अगर अभी के पेंटिंग की बात करें तो सिर्फ 2 सेकंड्स ही बाकी है. तो मम्मा टाइम इज ओवर. तो मेरा हाउस सिर्फ इतना ही हो पाया और ट्री तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया. तो आई थिंक जिसका ट्री हो पाया वो आई थिंक विनर होता है ना. लेकिन हाँ, मैंने ये रास्ता जरूर बनाया है, अगर हमें घर में एंटर करना हो तो रास्ता तो चाहिए ना. तो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि विनर कौन है, क्योंकि yes. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना. एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही टाइम लिमिट का प्रेशर रहता है ना, तो स्टार्टिंग ड्रॉइंग से ही हाथ इधर उधर चला जाता है, मतलब प्रॉपर ड्रॉइंग ही नहीं हो पाया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड. सो नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ स्वीट. यस, ये है आइसक्रीम. सो हम स्टार्ट करेंगे. हाँ, ये हम करेंगे पोस्का मार्कर से. यस, सो लेट्स स्टार्ट. तुम्हारा पेंसिल ले लिया आपने? यस. 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट. ये वाला ड्राइंग ना एकदम सुपर्ब है, और पोस्का मार्कर से भी करना है तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें तो. बाय द वे, आपका ऑल टाइम फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताना. मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है. वैसे हमारे आइसक्रीम में सबसे टॉप में केसर फ्लेवर है, देन चॉकलेट और फिर रोज फ्लेवर. आई थिंक रोज सिरप भी है ना. 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं. तो मेरा पेंटिंग तो इतना कंप्लीट हो गया है, आउटलाइंस बाकी है, और मम्मा का इतना कंप्लीट हुआ है. एक्चुअली ये कवाई आइसक्रीम है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम कंप्लीट हुआ है ना इस बार. हाँ, इस बार सेम कंप्लीट हुआ है, बट आई थिंक इतना फिनिशिंग नहीं हो पाया. फिनिशिंग बट लास्ट टाइम से काफी बेटर हो गया. हाँ, लास्ट टाइम से एक्चुअली बहुत ज्यादा ही बेटर हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम तो ऑलमोस्ट हाफ पेंटिंग जितना ही हुआ था, एंड इस बार कितना ज्यादा हो पाया है. सिर्फ आउटलाइंस बाकी है, और मम्मा की भी सिर्फ ऑलमोस्ट आउटलाइंस ही बाकी है, और थोड़ी बहुत और डिटेल्स. हाँ, थोड़ा डिटेल्स बाकी है. हाँ, सेटिस्फाइंग है. तो आप बताना इसमें विनर कौन है, क्या फिर टाई हो गई है? एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड, व्हिच इज आवर 4th राउंड. तो नेक्स्ट हमारे पास है ये शूज. आई थिंक डिफिकल्ट है थोड़ा. हाँ, क्योंकि इसमें डिटेलिंग्स बहुत सारी है, तो अब देखेंगे कौन सी डिटेलिंग्स हो पाती है, क्या क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे लगता है जो शूज़ की लेस वगैरह है वो शायद अच्छे से ना भी हो पाए. बट मुझे तो ये लग रहा है कि प्रॉपर शूज़ ही हो पाए तो अच्छे. वो भी पॉइंट है. सो 1, 2, 3 एंड स्टार्ट. अगेन रफ स्केच ऑफ दिस डिटेल ड्राइंग. इसका तो एक्चुअली हम परफेक्टली ड्राइंग करें तो 5 मिनट्स उसी में चले जाएंगे. एंड मेरे पेंटिंग में तो एक दो बार में शूज का शेप ही अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन काफी कम टाइम बाकी था ड्राइंग के लिए, तो मैंने फटाफट से कैसे भी करके शूज किए और पेंटिंग स्टार्ट कर दिया. वैसे व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? हम तो इतना फास्ट पेंट कर रहे थे कि फटाफट से कलर फील करना है, इसीलिए कलर जितना भी आए उतना फटाफट से फील कर रहे थे. और जब 5 मिनट्स हो गए तब लगा ओ इतनी जल्दी टाइम ओवर भी हो गया. तो मेरे शूज कुछ इतने कम्प्लीट हो पाए हैं, और मेरा पता नहीं कुछ क्या हुआ है, मतलब ये शूज तो किसी अंगल से लग ही नहीं रहा है. हाँ, लेकिन यहाँ पर ही ब्लैक आउटलाइंस बाकी है, तो इतना है तो शायद लग भी सकता है. इसमें तो बताना पड़ेगा कि कौन विनर हुआ है. नाउ मूविंग टू अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट राउंड, जो है अवर 5th राउंड. एंड लास्ट इमेज हमारे पास है ये कैंडी शॉप. कैंडी शॉप आपको क्या लगता है, फटाफट हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? लग तो रहा है हो जाएगी. हाँ, एक्चुअली मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसमें शायद ऊपर वाली कैंडी ना हो पाए.
वो तो पता नहीं, देखते हैं, चलो देखते हैं। तो मम्मा स्टार्ट करें? यस, वन टू थ्री एंड लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, हाँ अभी स्टार्ट। कैंडी शॉप ऑलवेज होती है सब लोगों की वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स, इजंट इट? क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स की कैंडीज जो होती है वहाँ पे। तो पेंट करना हमने जैसे ही स्टार्ट किया ना, हमें पता चला कि व्हाइट कलर तो सूख गया है, उसको वेट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने तो जैसे तैसे व्हाइट कलर में रेड कलर को मिक्स करके पिंक कलर बना लिया था, लेकिन मम्मा ने तो लाइट पिंक की जगह व्हाइट ही रख दिया था। आई थिंक मम्मा ने भी वैसे तो परफेक्ट डिसीजन लिया, क्योंकि पिंक कलर बनाने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, फिर डार्क पिंक की जगह रेड, और इस तरह से सब कुछ कलर किया। एक्चुअली ये वाले इमेज में जो कलर्स है उनमें से मोस्ट ऑफ द कलर्स तो पोस्टर कलर्स में है ही नहीं, एंड जिस तरह से फटाफट हम पेंट कर रहे हैं, क्या फाइनल रिजल्ट देखने जैसा होगा? और ऊपर से मोस्ट ऑफ द कलर्स तो ड्राई हो गए थे, तो अच्छे से कलरिंग भी नहीं हो पाया। अभी सिर्फ 2 सेकंड्स ही बचे हैं एंड टाइम इज ओवर। मम्मा टाइम इज ओवर। एक्चुअली मैं ब्लैक लेने गई ना, उसमें मुझे लगा कि टाइम फिनिश हो गया, और मेरा एक्चुअली इतना पेंटिंग कंप्लीट हो पाया है। मैं एक्चुअली बॉर्डर्स के लिए ब्लैक कलर लेने ही जा रही थी, तब मेरा ध्यान गया कि टाइम तो और होना आया है, और मेरा 1 सेकंड बाकी है। मेरा तो ना दिखा तो भी चलेगा इतना। मम्मा ने एक्चुअली पेंसिल से ये कैंडी ड्रॉ की है। मैंने एक काम करिए, इसमें ना ड्रॉइंग के ऊपर मार्क्स हो सकते हैं। हाँ मतलब किसने पूरा ड्राइंग किया है वैसे, क्योंकि पूरा ड्राइंग आई थिंक मेरा है, मतलब कैंडी किसने की है वैसे। हाँ वैसे, क्योंकि पेंटिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं ट्राई करी कि ड्राइंग में कुछ मिल जाए। और अगर आप सोच रहे हो कि पेंटिंग किसका अच्छा हुआ है उसके ऊपर मार्क्स दे, तो आप वैसे भी दे सकते हो। ये पहली बार हुआ ना 5 के 5 राउंड्स में, पोस्टर का मुझे वो जमा ही नहीं करने में। इसमें ना एक्चुअली कैंडी शॉप भी लिखना था, सो अगर हमें आधा घंटा मिलता ना तो हम परफेक्टली कर पाते कैंडी शॉप लिखने के साथ साथ। एंड आई थिंक इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी ओवर होता है। अब एक दो काम कर सकते हो, ये तो या तो आपने 1 by 1 राउंड में बताया है, अगर ऐसा नहीं है तो आप टोटली 5 रिया के और 5 मेरे टोटल मिला के कौन विनर है ये भी बता सकते हो। ये भी बता सकते हो, अभी भी बता सकते हो कि 5 के 5 राउंड में से कौन विनर है। हाँ। अगर आपका बताना बाकी अभी तक, तो आप बहुत बार बताते हो ना कि मेरी और मम्मा की चैलेंजेस करें, इसलिए आप कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट चैलेंजेस कौन सी होनी चाहिए। आई मीन आपको कैसे टाइप की चैलेंजेस ज्यादा पसंद है, मेरी और मम्मा की? कमेंट में से हम कुछ पिक करेंगे और इस पे चैलेंज बनाएंगे। यस फॉर श्योर। बाय बाय।